नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। आकृति 6.53 जो कि यहाँ है में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। ए सी जो है यह बी डी पर लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी गुना बी डी के। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इन ट्राइंगल हम दो त्रिभुज यहां पर ले रहे हैं, त्रिभुज बी ए सी एंड और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं बी डी ए, पूरा बड़े वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण सी बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, और दूसरा कोण बी बराबर है कोण बी के, क्योंकि यह कॉमन है दोनों ही त्रिभुजों में। तो दो कोण बराबर आ गए, तो हम ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार ए समरूपता कसौटी क्या है कि दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो उनसे हम सिद्ध करते हैं कि दोनों ही दो संगत कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो जाएं। जैसे ये कोण ए सी के बराबर था और बी कोण बी के ही बराबर था, तो इससे ए ए समरूपता कसौटी से यह त्रिभुज बी ए सी यह बी डी ए के समरूप आ जाएगा। त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ए के। अब हमें पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है ना, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो संगत भुजाएं कौन सी होंगी, देखिए इसमें से हम लेंगे बी ए यानी कि ए बी बटा, यहां से लेंगे बी डी यानी कि डी बी, बराबर होगा बी सी बटा यहां से लेंगे हम ए बी। इन दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो देखिए ए बी गुना ए बी हो गया ए बी स्क्वायर, बराबर होगा डी बी गुना बी सी के। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना की जगह डॉट, क्योंकि आपको पता है इस डॉट का मतलब गुना ही होता है, गुना डी बी को हम लिख सकते हैं बी डी। तो देखिए बच्चों यही हमें अपने प्रश्न में सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी सिद्ध हुआ। तो आपने देखा हमने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के बाद जो हमें चाहिए था वह हमने सिद्ध कर दिया है। यह बहुत सरल था, सिर्फ हमने दो त्रिभुजों को समरूप ही सिद्ध करना था बस। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।